दोस्तों स्वागत है आपका एक नए संडे Q&A कमेंट बॉक्स में। फ्राइडे को जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसमें आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें मुझे सबसे यूनिक जो क्वेश्चन लगे उन मैंने 20 क्वेश्चंस को पिक किया है, 20 से भी ज्यादा है क्वेश्चन जिसको मैंने पिक किया है, जिसका कि आज के इस संडे Q&A कमेंट बॉक्स में मैं जवाब देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना संडे Q&A कमेंट बॉक्स। पहला क्वेश्चन है मेगा रिक ऑफिशियल का। इन्होंने पूछा है, सर मेरा चैनल पहले मोनेटाइज था, उसके बाद मैंने मेरे चैनल का लॉन्ग वीडियो सारा डिलीट कर दिया, तो उसके बाद चैनल फिर से डीमोनेटाइज हो गया, तो सर अभी क्या करना है सिल्वर प्ले बटन के लिए, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। मतलब इनका सिल्वर प्ले बटन नहीं मिल रहा है। तो भाई मैंने आपके चैनल पर जाकर देखा, आपको इसी महीने सितंबर में ही आपके कंप्लीट हुए हैं 1,00,000 सब्सक्राइबर, मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है एक हफ्ते भी नहीं हुए होंगे 1,00,000 सब्सक्राइबर हुए हुए। तो भैया आपको कम से कम 1 से 2 महीने का वेट करना होगा, इसके बाद जो मैंने प्रोसेस बताया है रिडेम्पशन कोड लेने का वो आप ले सकते हैं, या फिर मेल के थ्रू भी यूट्यूब आपको भेज देता है। अगर नहीं भेजता है तो आप 1 से 2 महीने बाद जो मैंने तरीका बताया है उससे अप्लाई कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आपका सिल्वर प्ले बटन। आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है SS क्विजलेट फैक्ट ने। इन्होंने पूछा है, लव यू सर फ्रॉम जौनपुर यूपी। तो लव यू टू ब्रदर, आप तो हमारे पड़ोसी ही हैं। तो इन्होंने पूछा है कि आपने फर्स्ट चैनल कब स्टार्ट किया था और ग्रो होने में कितना टाइम लगा था, प्लीज 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 सर पिक माय क्वेश्चन। तो भाई मैं बता दूं कि वैसे तो चैनल मैंने बहुत सारे बनाए छोड़े क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं रेगुलर काम नहीं करता था। 10 दिन 15 दिन जो मन में आया कंटेंट डाला, फिर लगा कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, इधर डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं उधर ध्यान दे देता, और रेगुलरिटी अगर नहीं है तो भैया यूट्यूब पर चलेगा कहां। तो मैंने जो सीरियस होकर काम स्टार्ट किया वो मई 2021 में स्टार्ट किया, और मुझे जो लगे थे 3 महीने लगे थे, 3 से 4 महीने लगे थे मैंने जो शॉर्ट्स का चैनल बनाया था उसे ग्रो करने में। 3 से 4 महीने बाद मेरा चैनल ग्रो हो गया, और फिर उसी महीने जो चैनल मैंने ग्रो किया वो 5,00,000 या फिर 7,00,000 समथिंग सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। तो मुझे 3 से 4 महीने लगे थे पहला चैनल ग्रो करने में। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले इतना ज्यादा कोई वीडियो भी नहीं था कि शॉर्ट्स में क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई बताने वाला नहीं है। आज तो आपके भाई का चैनल है जो शॉर्ट्स में आपको 0 से लेकर 100 तक सारी जानकारी देने के लिए एक एक वीडियो बनाकर देता ही रहता है, तो अब आपको ग्रो करना और आसान हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एग्जैक्ट 2.0 ने। इन्होंने पूछा है, सर शॉर्ट्स चैनल वालों से कोई कोलैबोरेशन करता है क्या, प्लीज सर रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई सर। तो मैं आपको बता दूं भाई कि शॉर्ट्स चैनल वाले कोलैबोरेशन करके करेंगे क्या, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ बेनिफिट होगा नहीं, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर मिलने से क्या ही होगा। शॉर्ट्स चैनल जब आपका खुद का कंटेंट वायरल जाता है तो उसके बाद ही वो ग्रो होता है, इसमें ना प्रमोशन कोई मैटर करता है ना कुछ भी। तो अपना बस आपको सही तरीके से काम करना है, जब आपका कोई वीडियो वायरल जाएगा तो आपके 2,000-4,500 सब्सक्राइबर नहीं लाखों में सब्सक्राइबर एक एक दो दो दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने खुद 5 दिन में 3,00,000 सब्सक्राइबर गेन किए थे जब मेरा वीडियो वायरल गया था। तो आपको बस अपने कंटेंट पे फोकस करना है, कोलैबोरेशन के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये लॉन्ग वालों के लिए होता है, क्योंकि लॉन्ग में थोड़े भी सब्सक्राइबर मिलते हैं तो धीरे धीरे वो बूस्ट करता है, लेकिन शॉर्ट्स में आपका जब खुद वीडियो वायरल जाएगा तभी आपको मेन बेनिफिट मिलता है। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सनी शॉर्ट्स ने। इन्होंने पूछा है, ब्रो क्या हम लोग दूसरे के एनिमेटेड वीडियो में वॉइस ओवर लगा देंगे तो शॉर्ट फंड मिलेगा। तो भैया मैं आपको बता दूं 100% मिलेगा, और एक चीज बता दूं कि इस समय एनिमेटेड वीडियो पर अगर आप वॉइस ओवर करते हैं तो बहुत अच्छा खासा व्यूज जा रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यूज जा रहा है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एनिमेटेड वीडियो का ये होता है जिसका भी वीडियो कंटेंट आप उठाएंगे खतरा एक होता है कि वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक ना देते। अगर आप इतना खतरा लेने के लिए तैयार हैं तो आप आराम से वॉइस ओवर करिए, बहुत ही अच्छा खासा व्यूज जा रहा है, बहुत अच्छा खासा आप शॉर्ट फंड यहां से आपको मिल जाएगा, बेफिक्र होकर काम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ओवर वर्ल्ड गेमिंग ने। इन्होंने पूछा है, भैया जैसा कि आपने कहा था कि शॉर्ट्स वीडियो को अगर प्रीमियर करके अपलोड करें तो वॉच टाइम बढ़ेगा, लेकिन मैं अपने शॉर्ट्स प्रीमियर करके अपलोड करता हूं फिर भी वॉच टाइम जल्दी नहीं बढ़ रहा है, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो भाई मैं आपको बता दूं, शॉर्ट्स वीडियो जब आप प्रीमियर करके अपलोड करते हैं तो उसमें जो व्यूज आते हैं उससे वॉच टाइम आपका नहीं बढ़ता है, जो व्यूज आपके ब्राउज फीचर से आते हैं वो कितने व्यूज आए हैं ब्राउज फीचर से वो जितने देखे जाते हैं उसका वॉच टाइम काउंट होता है। क्योंकि जब आप प्रीमियर करके शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो ब्राउज फीचर में जो आपके वीडियो दिखते हैं वो आपके थंबनेल के साथ दिखेंगे, लोग क्लिक करेंगे तो लॉन्ग जैसा ओपन होता है, तो उसका आपका वॉच टाइम जुड़ता है। शॉर्ट्स फीड्स के जो व्यूज आते हैं उसका भी नहीं जुड़ा है, लेकिन 2023 में वो भी जुड़ेगा, चैनल मोनेटाइज होगा, बिंदास होकर काम करिए।
100% आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और आपको एक चीज बता दूं कि आप प्रीमियर करें फिर पब्लिक ब्राउज फीचर से, आपको भी पता है कि 1% से भी कम व्यूज ब्राउज फीचर से ही आते हैं। तो बस आप काम करते रहिए, सारा कुछ मोनेटाइज हो जाएगा। अभी शॉर्ट फंड इतना ज्यादा मिल रहा है उसका मजा लीजिए, शॉर्ट फंड लीजिए अभी, और इसके बाद धीरे धीरे करके 2023 में चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। बस बेफिक्र होकर काम करिए, काम पर फोकस करिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टीएस स्टेटस क्लब्स ने, इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है आपका फर्स्ट मोबाइल कौन सा था। तो भाई मेरा फर्स्ट मोबाइल मुझे जो याद है, मैंने पर्सनल सैमसंग का कुछ गैलेक्सी करके था, स्क्रीन टच मोबाइल था, एंड्रॉयड नहीं था वो, स्क्रीन टच ही था, नहीं शायद एंड्रॉयड, हाँ एंड्रॉयड नहीं था वो, स्क्रीन टच वाला था, सैमसंग गैलेक्सी कुछ करके था, उसे मैंने 8-9 हज़ार में लिया था नया फ़ोन। तब मैं शायद क्लास 9th या फिर 10th में था, तो वो मेरा पहला फ़ोन था। और दूसरा, आपकी एज कितनी है? तो भाई मेरी एज अभी 24 ईयर्स है, 24 साल है। और इन्होंने थर्ड पूछा आपके इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स हैं। तो भाई फॉलोअर्स शायद समथिंग, मैं अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ अकाउंट, तो शायद 2000 होने वाले हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव होने वाला हूँ और आपके सभी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, फेस टू फेस मैं सॉल्व करूंगा। तो इसलिए अगर अभी तक आप इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो देर मत करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अपने भाई को फॉलो करिए। 1 लाख सब्सक्राइबर यहां कंप्लीट होने वाले हैं, जल्दी से 10,000 फॉलोअर्स उस पर करा दीजिए। अगर आप अपने भाई से प्यार करते हैं, आपका भाई आपके लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट लेकर आने वाला है जो आपकी लाइफ बदल के रख देगा। आपकी जो यूट्यूब जर्नी है, आपके चैनल को मैं ग्रो कराऊंगा, बस आपको कॉन्टेंट पर फोकस करना है। तो इसलिए जल्दी से इंस्टाग्राम पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सॉरी फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, वहां पर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है और सारा का सारा मैं इंस्टाग्राम पर आपको लाइव बहुत कुछ डिटेल में देने वाला हूं। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक स्टेटस ने, इन्होंने पूछा है शॉर्ट्स चैनल पर स्पॉन्सरशिप मिलेगा या नहीं। तो भैया मैं आपको बता दूं 100% मिलेगा। स्टार्टिंग में शॉर्ट्स आया था तो कंपनियों को समझ में नहीं आ रहा था कि 1 मिनट में हम कैसे शॉर्ट्स में स्पॉन्सरशिप कराएं। अभी कंपनियां धीरे धीरे उसका रूल रेगुलेशन बना रही हैं और बहुत सारे लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम शॉर्ट्स में सबसे ज्यादा जो स्पॉन्सरशिप मिल रहा है वो गेमिंग चैनल को मिल रहा है, और धीरे धीरे करके आपका खुद यूट्यूब ब्रांड जो कनेक्ट कराम से एक सर्विस लॉन्च करने वाला है शॉर्ट्स वालों के लिए, कई कंट्री में लॉन्च कर चुका है 2023 के पहले पहले, फिर 2023 में 100% इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। और साथ ही साथ कंपनी खुद शॉर्ट्स को स्पॉन्सरशिप धीरे धीरे देना स्टार्ट कर रही है। बस काम करिए, 2-4-6 महीने में सारा कुछ शॉर्ट्स में वही हो जाएगा जैसे लॉन्ग में स्पॉन्सरशिप का है। वहां भी पैसा मिलेगा, इधर से भी मिलेगा, चारों तरफ से मिलेगा। बस अपने काम पर फोकस करिए, पैसा बहुत है यूट्यूब में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वर्ल्ड सर्च ने, इन्होंने पूछा है क्या वीडियो पब्लिक करने के बाद एडिट कर सकते हैं, वीडियो पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, पिक क्वेश्चन। तो भाई मैं आपको बता दूं, आप वीडियो पब्लिक करने के बाद भी एडिट कर सकते हैं, एडिट में आप ट्रिम कर सकते हैं, कोई पार्ट हटाना है तो हटा सकते हैं, कॉपीराइट क्लेम वगैरह आया है तो उसका आप म्यूजिक चेंज कर सकते हैं, म्यूजिक म्यूट कर सकते हैं, यह सब चीजें आप आराम से कर सकते हैं। जैसे आप करेंगे एडिट वगैरह थोड़ा टाइम लेगा, 10-15-20 मिनट, आधे घंटे ले सकता है, और इसके बाद आपका फिर से एडिटेड वीडियो आ जाएगा, वैसे ही वीडियो रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किंग ऑफ फैक्ट ने, इन्होंने पूछा है डियर सर शॉर्ट्स वीडियो हर बार शॉर्ट्स फीड में क्यों नहीं जाती है, जाती है तो 10-20 हज़ार व्यूज पर क्यों रुक जाती है, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो भाई मैंने आपको पहले भी बताया है शॉर्ट्स फीड में जाने के लिए YouTube कुछ क्राइटेरिया होता है जो चेक करता है। जैसे स्टार्टिंग में आप वीडियो डालते हैं तो आपका क्या करता है, ब्राउज फीचर में दिखाएगा जो आपके सब्सक्राइबर हैं, या फिर शॉर्ट्स फीड में कुछ टाइम के लिए 100, 200, 500, 1000 व्यू के लिए भेज देता है। वहां आपके वीडियो की जो परफॉर्मेंस होती है कि कितना रिटेंशन है, कितना लाइक्स है, कितना कमेंट्स आ रहे हैं, कितना टाइम तक रुककर आपके वीडियो को देख रहे हैं, ये सब देखने के बाद अगर आपका सब परफॉर्मेंस सही होता है तब शॉर्ट्स फीड में भेजता है। और लगातार अगर आपका परफॉर्मेंस मेंटेन रहता है उस वीडियो का तो फिर वो लगातार शॉर्ट्स फीड में बनी रहती है और व्यूज आपके बढ़ते चले जाते हैं। और अगर आपका परफॉर्मेंस वहीं से डिक्रीज होता है जो आप बोल रहे हैं 10-20 हज़ार व्यूज पर क्यों रुक जाते हैं, तो 10-20 हज़ार व्यूज जाते हैं, इसके बाद परफॉर्मेंस जब कम होता है फिर वहीं पर हटा देता है वो शॉर्ट्स फीड से, तो वहीं पर व्यूज रुक जाते हैं। तो ये वजह है जो मैंने पहले भी बताया है, अब भी बता दिया हूं, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टेक्निकल समीज ने, इन्होंने पूछा है सर आपसे लास्ट बार पूछता हूं कि आप वीडियो कैसे बनाते हैं, नंबर 1 कैमरा, नंबर 2 फोन से, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो भाई मैं आपको बता दूं, मैं अपना वीडियो फोन से ही बनाता हूं, कोई मेरे पास अभी कैमरा नहीं है। जब मैं स्टूडियो अपना बनवाऊंगा तो वहां पर मैं कैमरे का भी सेटअप करूंगा, अभी मैं फोन से रिकॉर्ड करता हूं। और कौन सा फोन है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर मैं जो भी चीजें यूज करता हूं सारा कुछ आप देख सकते हैं और सारा कुछ परचेज भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, सारा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वीरेंद्र के ब्लॉग्स ने, इन्होंने पूछा है हेलो सर, सर मेरे शॉर्ट्स वीडियो में काफी वीडियो हैं, सिर्फ एक वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया है तो क्या फिर मुझे शॉर्ट फंड मिलेगा, दिस इज माय क्वेश्चन। तो भाई मैं बार बार बोलता हूं, अगर
आपको कॉपीराइट क्लेम आया है तो शॉर्ट फंड में कोई दिक्कत नहीं होती है, शॉर्ट फंड आपको मिलेगा, बिंदास होकर काम करिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अननोन अनुज ने, इन्होंने पूछा है भाई मेरा सिल्वर प्ले बटन अंडर रिव्यू में है, कितने दिन लगेंगे रिव्यू खत्म होने में। तो भाई आपके सिल्वर प्ले बटन अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो अंडर रिव्यू नहीं होता है, वो होता है कि आपका बनने में कितना टाइम वगैरह लग रहा है ये सब, क्योंकि बहुत सारे लोग सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जब से शॉर्ट्स आया है। तो समझ लीजिए आप 15 दिन के बाद आपका वहां से डिलीवर कर दिया जाएगा, और वहां से भेजने के बाद आपको एक मैसेज मिल जाएगा, मेल पर भी मिल जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर भी मिल जाएगा। तो बिंदास रहिए, आपको मिल जाएगा अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है अपना सारा डिटेल भर के। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है N2 पॉइंट्स ने, इन्होंने पूछा है सर मेरे चैनल पर वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है, अप्लाई हो गया है, वॉच टाइम पूरा होने के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा सर की नहीं। तो भाई मैं आपको बता दूं, वॉच टाइम अगर पूरा नहीं हुआ है तो अप्लाई नहीं होता है। वो जो नीचे लिखा रहता है वो लिखा होता है ऑप्शन की नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल, यानी कि जब आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मेल से एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपके कंप्लीट हो गए हैं, अब आप अप्लाई कीजिए। तो वो अप्लाई नहीं होता है, उसका आप टेंशन मत लीजिए, वो आपके जब कंप्लीट होंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है, उसी का आपका ओके किया है, वो अप्लाई नहीं हुआ है। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रैंडम फैक्ट्स ने, इन्होंने पूछा है सर आपको क्या लगता है 2023 में शॉर्ट्स वीडियो मोनेटाइज होगा तो हमें कितने व्यूज पर $1 देखने को मिलेगा, प्लीज रिप्लाई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, जो मुझे लगता है वो लगता है कि आपके कम से कम 10,000 से 20,000 व्यूज पर $1 बनने चाहिए, और ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि 10,000 से 20,000 व्यू पर अगर $1 बनेगा तो आपको भी पता है एक वीडियो आपके वायरल जाने पर मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं, तो कितने डॉलर बन जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये बिंदास होकर काम करिए, चैनल भी मोनेटाइज होगा, शॉर्ट स्पीड्स के व्यूज के आपके डॉलर भी बनेंगे। तो जहां तक 10,000 से 20,000, इससे ज्यादा नहीं होंगे, 10,000 से 20,000 के आपके $1 आराम से बन जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जैक 2.0 ने, इन्होंने पूछा है सर अब आपके 100 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, सर एक स्पेशल वीडियो बनाइएगा प्रमोशन वाला टॉपिक से, थैंक्स सर। तो भाई आप सबके प्यार सपोर्ट से 100 के होने वाले हैं, जैसे ही होते हैं मैं आपके लिए एक प्रमोशन का एक बिंदास वीडियो लेकर आऊंगा जहां मैं आपके चैनल को कैसे प्रमोट करूंगा वो मैं तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट से प्रमोशन नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने सोचा पहले मेरे खुद के अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएं जिससे मैं आपके लिए आपके चैनल के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं, क्योंकि तब मेरी कुछ रीच होगी, मेरे पास ऑडियंस होगी जिससे मैं आपके चैनल को भी बूस्ट करा पाऊंगा। तो 100 के होने के बाद एक बहुत ही बेहतरीन प्रमोशन वीडियो आएगा जिससे हम आपके सभी चैनल्स को, जो भी चैनल्स होंगे जिस पे आप सही से काम कर रहे होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा सारा कुछ बताकर फिर इसके बाद प्रमोशन स्टार्ट होगा। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साहुल शॉर्ट्स ने, इन्होंने पूछा है गाइडलाइंस वार्निंग पर शॉर्ट फंड मिलता है, प्लीज रिप्लाई। तो भाई गाइडलाइंस वार्निंग पर किसी को शॉर्ट फंड उस महीने मिल जाता है, लेकिन जो मैक्स टू मैक्स होता है, जो मेरे भी साथ हुआ था, गाइडलाइंस वार्निंग के बाद उस महीने शॉर्ट फंड नहीं मिला था, नेक्स्ट मंथ मिल जाता है, आपके जो व्यूज आए हैं सारे काउंट करके आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाएंगे। तो बिंदास रहिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अजब गजब फैक्ट ने, इन्होंने पूछा है सर जैसा कि यूट्यूब ने बोला है कि 2023 से शॉर्ट चैनल मोनेटाइज होगा, तो क्या जीरो वॉच टाइम पर भी वो मोनेटाइज कर देगा, क्योंकि सब्सक्राइबर शॉर्ट्स में मिल जाते हैं बट वॉच टाइम नहीं मिलता है, प्लीज बताएं मैं बहुत परेशान हूं। तो भाई आपकी बात सही है कि वॉच टाइम का ही दिक्कत होता है शॉर्ट्स चैनल वालों के लिए, तो 1000 सब्सक्राइबर तो आराम से हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है शॉर्ट्स में। लेकिन जो आपने पूछा है कि 2023 में क्या जीरो वॉच टाइम पर मोनेटाइज होगा, तो जी हाँ, ये एकदम गलत बात है, ये आपने जो बोला है ये एकदम गलत बात है। जीरो वॉच टाइम पर मोनेटाइज नहीं होगा, बल्कि आपके जो शॉर्ट्स फीड से व्यूज आएंगे उस व्यूज का वॉच टाइम भी काउंट करके आपके चैनल को मोनेटाइज करेगा। हो सकता है 10,000 घंटे हो जाए, हो सकता है 20,000 घंटे हो जाए, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। शॉर्ट्स फीड से जो आपके व्यूज आते हैं, लाखों में व्यूज आते हैं, तो आराम से आपके 10-20,000 घंटे आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। तो शॉर्ट्स फीड्स के व्यूज को भी लेकर चैनल मोनेटाइज किया जाएगा 2023 में, बिंदास होकर काम करिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साहिल बेलीम ब्लॉग ने, इन्होंने पूछा है संजीव ब्रो जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके मिलियंस व्यूज आते हैं, जैसे ट्रिगर्ड इंसान, माईपथ और इसके बाद मिस्टर इंडियन हैकर, क्रेजी एक्स वाई जेड, ये लोग स्पॉन्सरशिप का कितना लेते हैं, प्लीज रिप्लाई जरूर करना, मैं वीडियो का वेट करूंगा, एक वीडियो का कितना लाख लेते हैं डेडिकेटेड का। तो भाई ये डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाते हैं जिनका भी आपने नाम लिया है, ये सभी इंटीग्रेटेड बनाते हैं। अब डेडिकेटेड का मतलब उसी वीडियो के ऊपर वो वीडियो बना दे तो वो डेडिकेटेड होता है, ये सब टेक्निकल वाले बनाते हैं जैसे आप मेरे चैनल पर देखते होंगे, ये इंटीग्रेटेड बनाते हैं जैसे वीडियो के अंदर ही कोई वीडियो में ये प्रमोशन कर दिए, लेकिन ये अच्छा खासा पैसा लेते हैं। जैसे इनके व्यूज आते हैं मिलियंस में 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, इस तरीके से व्यूज आते हैं, 10 मिलियन, 8 मिलियन, 7 मिलियन, तो आराम से ये एक
वीडियो का, इंटीग्रेटेड वीडियो का, आराम से ये कम से कम मैं बता रहा हूं आराम से ये 10 लाख रुपए ले लेते हैं। ये मैं बता रहा हूं जैसे ट्रिगर्ड इंसान वगैरह का। और अगर क्रेजी एक्स वाई जेड मिस्टर इंडियन हैकर की बात करें तो वो 20-20 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं एक स्पॉन्सरशिप का, जो मैं, मुझे पता है, जो मुझे अंदाजा है, जो मुझे मार्केट के बारे में पता है, तो इतना वो चार्ज करते हैं। बहुत पैसा है यूट्यूब में। काम करिए, बिंदास होकर काम करिए, चैनल ग्रो करिए, बस। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फन विद फैक्ट्स ने। इन्होंने पूछा है, सर मेरे एक वीडियो पर 400K से ज्यादा व्यूज है और उसका इंप्रेशन सिर्फ 4000 है, तो ऐसा क्यों है? तो भाई मैं आपको बता दूं, आप अपने शॉर्ट्स वीडियोस की बात कर रहे हैं तो आपके 4 लाख व्यूज भले हैं, आपके इंप्रेशन 4000 हैं, बिल्कुल सही बात है। ये क्या होता है, जो शॉर्ट्स वीडियो में आपके ब्राउज फीचर में वीडियो भेजा जाता है उसे को, उसी को बोलते हैं इंप्रेशन। तो वो 4000 लोगों के पास ब्राउज फीचर में भेजा गया है, जो 4 लाख व्यूज है वो आपके शॉर्ट्स फीड से आए हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, शॉर्ट्स में ये होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरान TB12 का। इन्होंने पूछा है, सर अगर यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाए और 2 महीने से वीडियो अपलोड करने के बाद भी 3 से 50 व्यू आए तो उससे ज्यादा व्यूज ना आए, 1K पहले इनके 1000-10000 आते थे और व्यूज जाते हैं लेकिन कभी कभी बिल्कुल ही नहीं आते हैं, रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूं फिर भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, 20-30 व्यू आते हैं, इससे ज्यादा नहीं, तो चैनल को छोड़ देना चाहिए या न्यू चैनल ओपन करना चाहिए, इस पर क्या काम करना चाहिए? तो आपका बहुत ही सही क्वेश्चन है कि आपके जो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आई है इस वजह से आपके वीडियोस पर व्यूज एकदम से नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए 2 सॉल्यूशन है। पहला नंबर, अगर आपके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, अगर आपके 2-4-10 हज़ार सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, आप ये चैनल छोड़कर एक नया चैनल बना लीजिए, वहां पर काम करिए, आपका चैनल बिंदास ग्रो हो जाएगा। और अगर आपके लाखों में सब्सक्राइबर हैं, अगर आपके लाखों में सब्सक्राइबर हो गए हैं और आप जेन्युइन कंटेंट अपना खुद का बना रहे हैं तो फिर आप रेगुलर काम करते रहिए, 1 से 2 महीने में आपका चैनल फिर से चल जाएगा। क्योंकि मेरे पर भी जब स्ट्राइक आई थी, मतलब वार्निंग आई थी कम्युनिटी गाइडलाइंस मिस्टर फैक्मो पर, तो मैंने भी रेगुलर जब काम किया, स्टार्ट में जब आया तो उस टाइम व्यूज नहीं आ रहे थे, फिर धीरे धीरे करके व्यूज आना स्टार्ट हुआ और इसके बाद 2 महीने बाद मेरा चैनल फिर से चल गया। लेकिन अगर आपके सब्सक्राइबर कम है, 2-4 हज़ार 5 हज़ार है, तो आप वो चैनल छोड़कर एक नया चैनल क्रिएट करके वहां से अपना जेन्युइन कंटेंट बनाइए, 100% ग्रो हो जाएंगे। तो यही सारे यूनिक क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने पूछे थे, उसमें जितना मुझे मैक्सिमम हो सका मैंने पिक किया आपके जवाब देने के लिए। जिनका मैंने नहीं पिक किया उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो सबको पिक करना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम कुछ अलग यूनिक क्वेश्चन पिक करेंगे, जिनका नहीं पिक किए हैं उनका अलग अगले टाइम में पिक कर लूंगा। तो आई होप आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस संडे क्यों ने कमेंट बॉक्स में। आपको ये कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिना बोले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। साथ ही अभी तक इस चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो देर मत करिए, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिख रहा है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं उसका सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।